यहाँ पे स्वास्थ्य जांच हो रही है जिसमें आपका शुगर का जांच लेना, डायबिटीज का जांच, हाइपरटेंशन का जांच। क्या नाम हुआ सर? नवीन चंद्र शाह, हम काराकाट लोकसभा संयोजक हैं। सर यहाँ पर आप लोग किस योजना के तहत यहाँ पर अभी भ्रमण कर रहे हैं, शिविर लगाए हुए हैं? ये नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है जी, और ये गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यह कार्यक्रम आज आयोजित है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी प्रकार की योजनाएं चलाई है उसकी गारंटी के तहत उसकी पूरा करने के लिए जिन जो बचे खुचे हैं उनको भी उनका पंजीकरण करने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित है। इसमें भी स्वास्थ्य विभाग के, बैंक के, कृषि विज्ञान केंद्र के, भारत खाद्य निगम के सभी प्रकार के अधिकारी पदाधिकारी आज हमारे इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में सम्मिलित हैं। और ये सभी कर्मचारियों का एक ही लक्ष्य है कि हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक संकल्प को दोहराया है और सभी हाथ ऐसे कर करके हम लोगों ने शपथ खाया कि 2047 तक जिस तरह से अन्य विकसित राष्ट्र जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, वैसा ही भारत जो है एक 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। उन सपनों को साकार करने हेतु ये गाड़ी आई हुई है और ये गाड़ी LED वैन आई है, उसको स्क्रीन के माध्यम से सारी योजनाओं को विधिवत रूप से बताया जा रहा है ताकि आम जनता जो है समझ सके कि हम लोगों का सपना साकार कैसे होगा, हम विकसित कैसे होंगे। आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि, उजाला गैस योजना, भारतीय जन औषधि केंद्र, सारे के सारे योजनाओं के बारे में हम जानकारी देते हैं कि कोई भी समाज का अंतिम व्यक्ति न छूटे। क्या नाम है? मैं सुनीता गुप्ता, जिला मंत्री हुए और काराकाट लोकसभा का संयोजक, घर नोखा हुआ। यहाँ पर आने का मतलब क्या उद्देश्य है? बस महिलाओं को, यहाँ के पुरुषों को नरेंद्र मोदी की बातों को स्मरण दिलाना और 2047 तक लोग कोई भी ना बचे जिसकी समस्याओं को नरेंद्र मोदी ना सुने, जैसे कि उज्ज्वला योजना हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग हो, हम लोग सारी योजना पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और हमारी प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष कहीं से भी न छूटे। खास करके मैं तो महिलाओं पर फोकस करती हूँ और हो सके तो मैं पुरुष को भी जागृत करना चाहती हूँ जो नरेंद्र मोदी को ही हमेशा याद रखे और आने वाली पीढ़ी भी इसको स्मरण रखे, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, क्या क्या किया। आपका? मेरा नाम सुषमा कुमारी लाल है, यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर हूँ, यहाँ जमुई में पोस्ट। यहाँ पर अभी क्या कुछ हो रहा है? यहाँ पे स्वास्थ्य जांच हो रही है जिसमें आपका शुगर का जांच लेना, डायबिटीज का जांच, हाइपरटेंशन का जांच और आपका ब्लड का जांच हो रहा है और जितने भी मेडिसिन से बुखार खांसी खुजली उस चीज के लिए दवाई। यहाँ पर शिविर लगाया गया है, ये किसी योजना के तहत लगाया गया है या फिर ऐसे ही शिविर लगा हुआ है? जी, जो योजना अभी चल रही है उसके तहत ही लगाया गया है। बैनर है? क्या कुछ योजना अभी यहाँ पर चल रहा है? के योजना चल रही है, उसमें स्वास्थ्य विभाग के तहत स्वास्थ्य। क्या नाम हुआ सर? फाइव अठारह दस। क्या यहाँ पर हो रहा है? ये जो यहाँ पर सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजन किया गया है जी, इसके तहत सभी विभाग के जैसे आवास योजना और पंचायत राज विभाग, लगभग जीविका हो गया, हर एक विभाग का यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा। हर एक विभाग के बारे में बताया जाएगा किस विभाग में क्या लाभ मिलता है, कितना राशि मिलता है। आप लोग किस विभाग से हैं? हम यहाँ के आवास विभाग के।
क्रांति विकास विभाग के अंतर्गत आवास सहायक है हम यहाँ पर लोकल पदाधिकारी के रूप में आज के लिए प्रोग्राम में अभी तक क्या कुछ जानकारियाँ दी गई लोगों को? आपको जानकारियाँ ये हम देना चाहते हैं, कोई भी विभाग से यदि दिक्कत है आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं, हर एक विभाग के कर्मचारी या अधिकारी लोग आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।